युग्लिना विरिडिस, बीएससी फर्स्ट पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। युग्लिना जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का एक सदस्य हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आता है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, इसमें मेस्टिक्स होता है। फाइटोमेस्टिगोफोरा मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑर्डर युग्लिनिडा, जीनस युग्लिना और स्पीसीज हैं वो इसकी विरिडिस हैं। युग्लिना को पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है और इसके अंदर गमन होता है, एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें युग्लिना की, तो इसके अंदर फोटोरिसेप्टर, आई स्पॉट, लॉन्ग फ्लेजिलम होता है, शॉर्ट फ्लेजिलम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो प्रसरण नियमन के लिए रहती है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, पेलिकल इसके बाहर की तरफ जो आवरण है उसको पेलिकल कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फ्लेजिलम की स्ट्रक्चर की बात करें तो युग्लिना के अंदर फ्लेजिलम का स्ट्रक्चर 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर 2 सेंट्रल तथा 9 जो है व्यवस्था होती है, फाइब्रिल्स पेरिफेरल होते हैं। इसके ऊपर अगर हम कहें जीवद्रव्य खोल से घिरा एक एक्सियल फिलामेंट दिखाई देता है, उसके चारों तरफ लचीले सीधे सर्पिल धागेदार से रचना होती है, जिसे एक्सोनिम कहते हैं। एक्सोनिम का जो उद्गम है वो ब्लेफेरोब्लास्ट से होता है। युग्लिना में 9+2 अरेंजमेंट जिनका उद्गम है वो रिजर्वेयर के आधार पर उपस्थित 2 बेसल ग्रेन्यूल से होता है गमन। फ्लेजिला में फाइब्रिल से 9+2 अरेंजमेंट है। लोकोमोशन की बात करें तो इसके अंदर लोकोमोशन 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लेजिलर मूवमेंट होता है और एक होता है युग्लिनोइड मूवमेंट। यहाँ पर आप देखिए जो ए है उसके अंदर रिकवरी स्ट्रोक, ये चाबुक की तरह पानी के ऊपर फ्लेजिलम को स्ट्रोक करता है और फिर वापस रिकवर होता है, उस दौरान वो आगे बढ़ता जाता है। बी है इसका रिकवरी स्ट्रोक। और बी में इफेक्टिव स्ट्रोक एंड सक्सेसिव स्टेजेस के अंदर होते हैं। आगे बात करें फ्लेजिलर मूवमेंट की, तो फ्लेजिलर मूवमेंट के अंदर युग्लिना में पेचनोदक सिद्धांत है, जो बुस्चलाई दिया या सर्कुलर बीट थ्योरी है इस आधार पर ही, या साइड वॉइज लेसिंग मूवमेंट थ्योरी करते हैं। युग्लिनोइड मूवमेंट की बात करें, युग्लिनोइड मूवमेंट युग्लिना के पेलिकल्स में लचीलापन होने के कारण इसकी देह में संकुचन और प्रसार की गति एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, जिन्हें पेरिस्टाल्सिस या कर्मांकुचन कहते हैं। इसके द्वारा ये गति करता है। ऑस्मोरेगुलेशन, इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन हेतु कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, जो प्रसरण नियमन के काम आते हैं। यह संरचना जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, यह संरचना बार बार सिकुड़ती है, फैलती रहती है, जिससे क्रमशः सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। आगे बात करें तो द ऑस्मोरेगुलेशन इन युग्लिना इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर द एमिशन ऑफ एक्सेसिव वाटर एंट्रिंग इन टू द बॉडी बाई एंडोस्मोसिस। बिहेवियर, युग्लिना सोविंग रिएक्शन टू लाइट, लाइट के डायरेक्शन के कारण इसकी रिएक्शन कैसे होते हैं वो देखा जाए तो ये एक तरीके से लाइट के
फोटो पॉजिटिव है, उस तरफ ज़्यादा होंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें युग्लिना के अंदर, तो रिप्रोडक्शन युग्लिना में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, सिर्फ अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन द्वारा होता है युग्लिना में। युग्लिना के जो हैबिटेट है वहाँ पर भोजन ताप जल आदि कारकों के अनुकूल होने की स्थिति में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन पाया जाता है। क्रिया के आरंभ में जंतु के केंद्रक में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की सभी चार व्यवस्थाएं प्रावस्थाएं क्रमानुसार संपन्न होती हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वह डिसअपीयर नहीं होती। प्रोफेज प्रावस्था में केंद्रक के भीतर उपस्थित सभी न्यूक्लियोलाई और एंडोसोम्स परस्पर मिलकर एक केंद्रीय पिंड बना लेते हैं। इनके अंदर साइटोकाइनेसिस भी होता है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में जब ये इसके चारों तरफ पुट्टी का निर्माण होता है उस दौरान इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जंतु गति करना बंद कर देता है और इसके कसाब गिर जाते हैं और देह के चारों ओर एक श्लेष्मी आवरण की पुट्टी स्त्रावित कर लेता है और पुट्टी भवन के पश्चात इसकी बॉडी झुकाए है उसके अंदर ही बार बार विखंडन होता है। इस अवस्था में और विखंडन के फलस्वरूप 16 से 32 संतति प्राणी बन जाते हैं युग्लिना की पुट्टी के अंदर और ये सभी एक श्लेष्मीय पुट्टी द्वारा कवर्ड रहते हैं। इस अवस्था में संतति समूह की आकृति अनेक शैवालों की फॉर्मिला अवस्था जैसी हो जाती है। बाइनरी फिशन का ये डायग्राम है, बात करी हमने किस तरीके से होता है मल्टीपल फिशन। शैवालों की फॉर्मिला अवस्था, एक पुट्टी के अंदर बहुत सारे 16 से 32 तक युग्लिना हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें जो युग्लिना विरिडिस है, ये एक फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। युग्लिना विरिडिस इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। 9+2 अरेंजमेंट इज फाउंड इन फ्लैजेला, 9 फाइब्रिल्स ऑन पेरीफ्री एंड 2 ऑन सेंटर फाउंड इन युग्लिना। लोकोमोशन इज डन थ्रू फ्लैजेलर मूवमेंट एंड युग्लिनोइड मूवमेंट। न्यूट्रिशन इज आइदर होलोफाइटिक और सेप्रोफिटिक। ऑस्मो रेगुलेशन इज डन बाई स्पेशलाइज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड देयर इज 2 सिक्वेंस सिस्टॉल एंड डायस्टॉल। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। इट्स सो दैट युग्लिना इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल। थैंक यू।